ग्वालियर जिले के करहिया इलाके में दलित समाज की शादी में हंगामा कर दूल्हे के साथ मारपीट करने वाले लोगों पर अभी तक पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। उल्टे दलित समाज के लोगों पर ही दूसरे समाज की महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। इसको लेकर दलित समाज के लोगों ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चित्र के साथ फूलबाग चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि कुछ लोग अभी भी देश में मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, जबकि दलित भी अन्य समाज की तरह ही मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि बगिया गांव से रिठोदन क्षेत्र में नरेश जाटव की बारात गई थी। इसमें धूमधाम से बग्घी पर दूल्हे नरेश जाटव को बिठाकर बारात निकाली जा रही थी। कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और पैसे भी लुटा रहे थे। इसी बीच उन पर रावत समाज के कुछ लोगों द्वारा पहले पानी फेंका गया, फिर बात पड़ने पर दूल्हे के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि रावत समाज के लोगों ने दूल्हे की सोने की चैन भी लूट ली, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामूली मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं रावत समाज की ओर से भी बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और उन पर आरोप है कि आरोपियों ने रावत समाज के घर के सामने से निकाली जा रही बारात को रोककर उनकी महिलाओं के साथ छेड़खानी की और उन पर पैसे फेंके। दलित समाज के लोगों का यह भी कहना है कि मौके पर मौजूद एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने आरोपियों का साथ दिया। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने कहा है कि चूंकि आरोपियों की महिलाओं के साथ छेड़खानी की गई है, ऐसा दूसरे पक्ष में आरोप लगाया है, इसलिए दोनों ही मामलों पर जांच की जा रही है। चल आप लोग चलो आगे, चल चल सर जी, चलो हमारे सिगरा धरी चंद, मैं भी यही खड़ा हूँ, तेरा तो यही खड़ी रहेगी के साथ मार्केट को हमने करैया में जो है करैया थाना क्षेत्र में रिठोदन गांव में एक बारात निकलने के दौरान विवाद हो गया था। बारात डीजे पर बाराती लोग डांस कर रहे थे और उसमें डीजे डांस के दौरान नोट लुटा रहे थे। उस पर से कुछ महिलाएं जो है बारात को देखने बाहर निकल आई थी और उस पर से महिलाओं द्वारा उनके ऊपर नोट आने पर उनके द्वारा मना किया गया। इस बात पर से दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस पर से जो है मारपीट, तीन चार लोगों के साथ मारपीट हो गई थी। उस पर से जो है उनके चार लोगों को अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेदन दिया। किन किन धाराओं के अंतर्गत अपराध? धारा एट्रोसिटी एक्ट 323-294 और एट्रोसिटी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया, विवेदना की जा रही है। महिला पक्ष की तरफ से भी शिकायत की गई है, रिपोर्ट की गई है कि उनके साथ जो है नोट लौटाने की बात पर उनको मना करने पर असली दखल करी और उनके पक्ष के साथ भी मारपीट करी, तो उनके द्वारा भी दिया गया। उसमें दोनों पक्षों में वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी के नेतृत्व में विवेचना करवाई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि दूल्हे को घोड़ी से उतार के मारा गया। इस संबंध में तो अभी तक कोई गांव है, चूंकि मौके पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी, थाना प्रभारी पहुंच गया था, वहां पर एसडीओपी पहुंच गए थे, तो इस प्रकार से दूल्हे के द्वारा कोई इस प्रकार से घटनाक्रम नहीं मिला। दूसरे पक्ष का कहना है दूसरा पक्ष का कहना यही है कि बारातियों ने जो है डांस के दौरान शराब पी के महिलाओं के साथ अभद्रता की।